have a very special guest among us, Dr. Riddhi Jain. She has completed her medical education from MGM Medical College, Indore. She is physiotherapist, dietitian, and obesity consultant. She is also specialized in providing cupping therapy. आज हम बात करेंगे कपिंग थेरेपी के बारे में. कपिंग थेरेपी क्या होता है, उसके साइड इफेक्ट्स क्या है, किन चीजों में उसे यूज किया जाता है, हम इसी सारे क्वेश्चंस के आंसर आज हमें देंगी डॉक्टर रिद्धि जैन. सो मैम, यू आर मोस्ट वेलकम टू मेडविकी. थैंक यू. सो हम अपने पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हुए, मैम व्हाट इज कपिंग थेरेपी? कपिंग थेरेपी इज एन एंशियंट फॉर्म ऑफ अल्टरनेटिव मेडिसिन. मतलब ये कोई नई थेरेपी नहीं है, काफी सालों से चली आ रही है. इजिप्टियन एरा में एंड चाइना में ज्यादा यूज होता है, काफी लंबे समय से यूज होती जा रही है एंड ईस्टर्न एरियाज में. और इसमें हम क्या करते हैं, लाइक कपिंग थेरेपी में वी क्रिएट सक्शन विद द हेल्प ऑफ सम ग्लास कप्स और प्लास्टिक कप्स और सिलिकॉन कप्स जो कि एक साइड से ओपन होते हैं, और इससे हम जो सक्शन क्रिएट करते हैं और इससे हमें जो डिजायर्ड इफेक्ट है वो मिलता है. सो मैम, दूसरे क्वेश्चन के तरफ बढ़ते हुए कि कपिंग थेरेपी किन सिम्टम्स में यूज किया जाता है या किसके लिए यूज किया जाता है, कौन सी बीमारी में यूज किया जाता है? मेनली हम लोग कपिंग थेरेपी का यूज करते हैं जब हमको पेन कम करना होता है, या बेसिकली मसल्स पेन हो गया या फिर मसल्स स्पाज़म हो गया है. कई बार आपने सुना होगा अकड़न हो रही है शरीर में, किसी भी जगह किसी भी मांसपेशी में अकड़न होती है, उसके लिए हम यूज करते हैं. ब्लड फ्लो को इंक्रीज करने के लिए यूज करते हैं, या फिर कहीं इन्फ्लेमेशन हो रहा है मसल में तो हम यूज करते हैं. तो बेसिकली कपिंग थेरेपी का काम होता है आपकी बॉडी में कहीं भी अगर पेन है उसको कम करना या उसको ठीक करना. मैम, तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए कि कपिंग थेरेपी के प्रोसीजर्स क्या होते हैं, क्या प्रोसीजर्स आप लोग फॉलो करते हैं इस थेरेपी के लिए? तो जैसा कि मैंने आपको भी बताया था कि कपिंग थेरेपी में हम कुछ स्पेशल टाइप्स के कप्स यूज करते हैं. लाइक मैं आपको दिखाती हूँ ये जो कप्स है हमारे पास, इसको ये स्मॉल साइज है, इसमें हमारे पास है बिगर साइज है. तो इस तरीके के हम कप्स यूज करते हैं जो कि एक साइड से जो होते हैं ओपन होता है. इसको हम अपने स्किन पे रख के देन हम यहाँ से प्रेशर क्रिएट करते हैं. तो जो प्रेशर जो होता है सक्शन प्रेशर होता है, ये हमारी स्किन पे या मसल्स पे जाके ये सक्शन करेगा, चिपक जाएगा, जिसके कारण की ब्लड फ्लो उस एरिए का बढ़ेगा. और जितना ज्यादा ब्लड फ्लो बढ़ेगा उतनी जल्दी आपकी हीलिंग होगी. तो बेसिकली कपिंग थेरेपी जो काम करती है सक्शन इफेक्ट पे काम करती है. क्या कपिंग थेरेपी के कोई साइड इफेक्ट्स हैं जो आप लोगों को देखने को मिलते हैं? नहीं, एक्चुअली इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, अनलेस अंटिल सिर्फ जब हम ये कप्स काफी लंबे समय तक स्किन पे लगाते हैं तो रेड मार्क आता है जो ब्रूजेस हम बोलते हैं. बट ये नॉर्मल होता है, जैसे एक चोट का निशान होता है, बट वो जो चोट का निशान होता है वो आपके अंदर मांसपेशियों और हड्डियों तक जाता है. ये जो ब्रूजेस होगा, क्योंकि काफी लंबे टाइम तक जब ये स्किन पे लगा रहता है तो रेड मार्क आते हैं. तो ये मार्क्स बिल्कुल नॉर्मल होते हैं, 4 से 5 दिन में अपने आप ये चले जाते हैं. अगर आपने कप ज्यादा लंबे समय के लिए लगा दिया है, लाइक आधा घंटा 1 घंटे के लिए, तो ये जो मार्क्स हैं वो रेड की जगह पर्पल या ब्लैक हो जाते हैं. अगर ये ब्लैक मार्क में कन्वर्ट हो रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपने कप्स को गलत तरीके से लगाया है या ज्यादा लंबे समय के लिए लगाया है. इसके अलावा, इस मार्क्स के अलावा इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है. और ये जो मार्क्स भी होते हैं ये पेनलेस होते हैं. कभी अगर आपकी बॉडी में जहाँ पे ये कप्स अप्लाई किए वहां आपको अगर पेन बहुत ज्यादा है तो आपको हो सकता है कि जो मार्क्स है उनमें पेन हो, अदरवाइज ये बिल्कुल पेनलेस होते हैं. कपिंग जो है मोस्ट इफेक्टिव मेथड है पेन, कपिंग इज अ मोस्ट इफेक्टिव मेथड फॉर ट्रीटिंग द पेन. मैम, हमारा एक आखिरी क्वेश्चन है कि क्या कपिंग थेरेपी को हम दूसरे ट्रीटमेंट्स के साथ कंबाइन कर सकते हैं? कपिंग थेरेपी को हम बहुत सारी थेरेपीज के साथ भी कंबाइन कर सकते हैं एंड इफेक्टिवली इसका रिजल्ट बहुत अच्छा आता है. लाइक आपने सुना होगा फिजियोथेरेपी में निडल थेरेपी होती है, निडलिंग. तो कपिंग के साथ हम निडल, हम ये कप के अंदर ही हम निडल लगा के देन हम कप लगाते हैं,
तो हम ऐसे यूज कर सकते हैं उसको, निडल विथ कपिंग कहते हैं। एक होती है चाइना में बहुत फेमस है मोक्सा कपिंग, जिसमें कि हम कपिंग के अंदर हर्बल मेडिसिन डालते हैं। ये बेसिकली इंडिया में इतना नहीं चलती है, चाइना में बहुत चलता है। इसके साथ ही एक होती है हर्बल कपिंग, जिसमें जैसे ये मेरे जो है ग्लास कप से, इसकी जगह जो कप्स होते हैं वो बैम्बू होते हैं, बांस के कप्स होते हैं। और इसके अलावा इलेक्ट्रो कपिंग होती है, हम इसके साथ साथ इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन भी देते हैं मसल्स में। वाटर कपिंग होती है, हम वाटर के साथ कप्स लगाएंगे। मैग्नेटिक कपिंग होती है, मैग्नेट के साथ लगाएंगे। तो कपिंग को हम बहुत सारी जो मेथड से उनके साथ कंबाइन कर सकते हैं। प्लस कपिंग के साथ साथ हम फिजियो की कोई सी एक्सरसाइज भी करा सकते हैं साथ में, या फिर कोई इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन मशीन्स भी दे सकते हैं, जिससे कि जो कंबाइंड रिजल्ट है वो बहुत अच्छा आता है। ओके, मतलब इसका कंबाइंड रिजल्ट का कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है, पर इफेक्ट काफी ज्यादा है। इफेक्ट बहुत अच्छा आता है, जैसे कि मैंने बताया कपिंग जो है एकदम सेफेस्ट मेथड है। ओके मैम, एक बहुत ही छोटा सा एक जनरल क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगी, क्या ये पेनफुल होता है? नो, ये पेनलेस होता है। इसमें मैंने जैसे बताया लाइक सक्शन, एक मैं सिंपल एग्जांपल देती हूँ। बहुत बार आपने देखा होगा ना, जब हम छोटे थे तो आपने किया है कि नहीं पता नहीं, ये कप को हम मुंह, मतलब ग्लास को मुंह पे रखते और हम लोग अपनी तरफ अंदर की तरफ एयर ब्लो करते थे, जिसके कारण यहाँ पे हमें एक मार्क पड़ता था और वो ग्लास काफी टाइम तक यहाँ लगा हुआ रहता था जब तक हम छोड़ेंगे नहीं। ये सबने किया है बचपन में, हमने भी बहुत किया है। तो जस्ट वही इफेक्ट आता है कपिंग से, हम इसको स्किन पे लगाते हैं और देन हम इसको प्रेशर क्रिएट करते हैं। लाइक ये मेरे पास प्रेशर है, इससे मैं प्रेशर क्रिएट करूंगी तो ये जो है कप ये स्किन पे अटैच हो जाएगा, सक्शन क्रिएट हो जाएगा एंड बिल्कुल पेनलेस होता है। अगर कहीं पर आपको बहुत तेज पेन हो रहा है और वहां मैंने लगाया है तो आपको हल्का फुल्का पेन हो सकता है, अदरवाइज इसमें बिल्कुल पेन नहीं होता है। सेफेस्ट मेथड। ओके, तो मैम आप हमारी ऑडियंस को क्या मैसेज देना चाहती हैं? ऑडियंस के लिए यही मैसेज है कि जब भी आप कपिंग थेरेपी करवाएं, किसी ट्रेंड प्रोफेशनल से ही करवाएं, क्योंकि आजकल बहुत से लोग कपिंग को यूट्यूब से सीख के यूज करने लगे हैं। और अगर आपको कोई कहता है कि कपिंग कराने के बाद मुझे पेन हुआ, या मुझे ये जो रेड मार्क था बहुत ज्यादा हुआ, या मुझे बहुत दिनों तक ये रेड मार्क रहा, इसका मतलब है कि आपने किसी अनट्रेंड से ये कपिंग करवाई है, या जो आपको ये कंप्लेन कर रहा है उसने किसी अनट्रेंड प्रोफेशनल से करवाई है। तो कपिंग जब भी कराएं किसी ट्रेंड प्रोफेशनल से कराएं, एंड इसके जो भी मिथ आपके माइंड में है वो निकाल दें, क्योंकि ये सेफेस्ट एंड मोस्ट इफेक्टिव पेन ट्रीटमेंट है। ओके, सो थैंक यू सो मच मैम हमारे साथ जुड़ने के लिए, और आपने अपनी नॉलेज शेयर की कपिंग थेरेपी के रिगार्डिंग। एंड ऑडियंस, मैं आपके लिए बस यही कहूँगी, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब मेडविकी, और ऐसे ही फैक्ट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए।